अध्यक्षा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा टीवी चैनल के माध्यम से समक्ष आया है, जिसमें एक लिंचस्टॉर्म करके एक व्यक्ति जिसने बफर्स की इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके मुताबिक अभी ऐसा सामने आया है कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत के और ओलाफ पामे जो स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में लेन देन हुआ, और उस लेन देन के जो दस्तावेज थे वो आज भी भारत सरकार के डब्बों में बंद है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के बैंक्स ने कुछ काम किया था, वो दस्तावेजों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो लेटरोगेटरी भेजा गया था उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और लगातार ये कहना कि 30 साल पुराना मुद्दा है, गड़े मुर्दे नहीं उठाने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि गड़े मुर्दे जब तक सही तरीके से, विधिवत तरीके से दफन नहीं होते, तो वो भूत पिशाच बन के घूमते रहते हैं। तो आज के समय पर बफर्स का जो जिन है वापस बोतल से बाहर आ गया है, और जो वापस बोतल से बाहर आया उसका विधिवत दफन होना चाहिए, और विधिवत दफन तभी हो सकता है जब उसकी जानकारी पूरे देश को प्राप्त हो, और सब लोग इस मामले की हम दोबारा से जानकारी चाहते हैं, ताकि भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा जब टीवी चैनल्स आ गए। और अध्यक्षा जी, मुझे तो याद है कि 1990 में जब वकालत ज्वाइन की तो एमके चावला के कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था, और किस तरीके से जमानत दी जा रही थी, जबकि वो जमानत का केस नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद।